हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। आज दोस्तों मैं आपको बताने लगा हूँ सैमसंग A8 गैलेक्सी का A8 मॉडल जो है, जिसके अंदर दिया गया है ड्यूल कैमरा फ्रंट में। आज मैं आपको बताऊंगा इसके ड्यूल कैमरे फ्रंट में क्या फीचर्स हैं, ये बैकग्राउंड ब्लर करता है कैसा करता है, अपने ओपिनियन दूंगा अच्छा करता है कि नहीं अच्छा करता, बाकी इसमें जो स्टिकर्स दिए हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इससे ये होगा मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगा करेगी वो आपको मिलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A8। मैं इसका अब लॉक कोड ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे कैमरा देख सकते हैं, ठीक है। कैमरा देखने पे आपको यहाँ पर मिलते हैं कुछ फीचर। तो आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट में दिया गया कैमरा, ये इसलिए ऑप्शन है कि आप कैमरा मूव यानी कि बैक और फ्रंट कैसे चला सकते हैं, ठीक है। ये साथ वाला ऑप्शन है, इसमें फुल कैमरा व्यू कर सकते हैं आप, डिस्प्ले ये फुल व्यू आ गया, ठीक है। साथ में दी गई है फ्लैश लाइट, रात को आप तस्वीर लेते हो तो ये फ्लैश लाइट ऑन कर लेंगे तो आप ये पूरे मोबाइल आपका लाइट शो करेगा और आप इस पर तस्वीर आपकी अच्छी से वाइट आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला अब ऑप्शन है सेटिंग, इसमें सेटिंग में जाके देख लेते हैं। सेटिंग में इसमें दिया गया पिक्चर साइज है, वीडियो साइज़ है, टाइमर है, HDR है, पिक्चर बाकी वीडियो साइज जो आ गया वो आ गया। तो नीचे आते हैं, इसमें बिक्सबी का ऑप्शन दिया गया कि आप बिक्सबी से कोई भी तस्वीर लेते हैं, तस्वीर लेने के बाद आप उस तस्वीर को बिक्सबी में सर्च कर सकते हैं, वो आपको बिक्सबी के ऑप्शन पे आपको बताएगा कि ये किस लिए यूज़ होता है, ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं लाइव फोकस, ये लाइव फोकस है बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन। देखें आप ऐसे कर सकते हैं, करने से आपका यानी कि बैकग्राउंड है ना जो वो ब्लर हो जाएगा, आपकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर रहेगी। जैसे ये मैंने तस्वीर ली है, एक आप तस्वीर दे सकते हैं, इसी तरह से मैं एक और तस्वीर ले लेता हूँ। बैकग्राउंड ब्लर ऑप्शन ऑन हो गया मेरा, तो तस्वीर लिए अब आप देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड ब्लर हो गया। ये इसमें फ्रंट ड्यूल जो कैमरा दिखे इसमें बैकग्राउंड आप ब्लर कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें दिए गए हैं स्टिकर, ये लाइव फोकस में स्टिकर आपके वर्क नहीं करते, लाइव फोकस को आपने ऑफ करना होगा। ऑफ करने के लिए आपको यहाँ से बैक जाना है, बैक जाने के लिए इसके बाद आप देख सकते हैं लाइव फोकस के बाद स्टिकर्स, इसमें कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं, आप इसमें स्टिकर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। देखिए काफ़ी सारे स्टिकर दिए गए हैं इसमें, हैप्पी बर्थडे का दिया गया है, आप जो भी स्टिकर लोगो लगाना चाहिए लगा सकते हैं। इफेक्ट को आपने जब रिमूव करना है, ये रिमूव इफेक्ट है, इसमें आप क्लिक करके इफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं सैमसंग A8। तो अब मैं इसका बताता चलूँ कि लाइव फोकस में यानी कि बैकग्राउंड जो ब्लर वाला ऑप्शन है वो मेरी नज़र में इतना ख़ास नहीं दिया गया। इसमें आप फुल बैकग्राउंड ब्लर करते हैं तो आपके सर भी बैकग्राउंड, साइड से भी बैकग्राउंड ब्लर दरमियान में जाते हैं तो नॉर्मली सा बैकग्राउंड करता है, ये DSLR वाला ऑप्शन दिया गया। तो दोस्तों ये था A8 2018 मॉडल के जो मैंने बताया कैमरे के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। A8 2018 मॉडल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।